निशंक शर्मा के नेतृत्व में थाना सीसामऊ ने सूचना पर छापा मारकर पकड़ा अवैध पटाखा। थाने को जानकारी प्राप्त हुई थी कि द्वारकापुरी कॉलोनी में एक घर में एक्सक्लूसिव रखे हुए हैं। पुलिस ने वहां पहुंचकर जब घर की तलाशी ली तो करीब 40 कर्टेन पटाखे मिले, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका लाइसेंस 2019 तक ही था। उस मकान मालिक का नाम रवि गुप्ता का है, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन संदीप जायसवाल के साथ उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज थाना सीसामऊ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ द्वारिकापुरी जो कॉलोनी है उसमें एक घर में कुछ एक्सप्लोसिव है। जैसे ही सूचना मिली है तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, तो जो घर है जिसमें उसकी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 40 जो कार्टन होते हैं, 40 पेटियाँ होती हैं, उससे ज़्यादा उसमें पटाखे वहाँ पर मिले हैं। पुलिस ने उन्हें कब्जे में लिया है। जो घर था वो रवि गुप्ता का था। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला उनका 2019 तक उनके पास लाइसेंस था, लेकिन उसके बाद लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ था। साथ ही ये जो पटाखे रखे हुए थे रिहायशी इलाके में रखे हुए थे, पुलिस ने पटाखों को कब्जे में ले गया और रवि गुप्ता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग पकड़े गए सर? अभी इसमें रवि गुप्ता जो इसके मालिक थे, जिनके नाम पहले 2019 तक लाइसेंस था, वो हिरासत में, उनसे पूछताछ जारी है और उसी आधार पर।